हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ये डिज़ाइनिंग सा टॉप। आप लोग किस तरह से घर पे सिर्फ एक मीटर फैब्रिक से भी कम फैब्रिक से आप लोग इसको बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को बताऊँगी ये एक्सेल साइज के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को मैंने फोर लेयर पे इस तरह से फोल्ड करके लिया है और आप लोग शायद देख सकते हो फ्रंट पे मेरी शॉर्ट होगा और बैक पार्ट पे मेरी जो पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग होगा। सो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ और इसका जो चौड़ाई है इसको आप लोगों को कैसे लेना होगा। अगर आप लोगों का जो मेजरमेंट है एग्जांपल 40 है तो आप लोगों को 8 इंच ज़्यादा लेना होगा। 8 इंच है एक्स्ट्रा आप लोग जो पैलेट है उस पैलेट्स के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 48 इंच का मैंने लिया है फोल्ड करके लेकर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिया है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है क्योंकि ये फोल्ड वाला पार्ट है तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच पे एक मार्क करूँगी जो मेरे आर्म होल के लिए होगा। और ये जो पार्ट है मैं ये जो छोटे छोटे करके पैलेट्स में दूंगी, जो लेयर है टॉप का उसके लिए मैं बनाऊँगी ये। तो इसको मैं साइड करके रखती हूँ और यहाँ से मैं मेरी फिंगर का 4 फिंगर्स और इंचीस में सेंटीफी आप लोगों को मैं अगर बताऊँ तो यह तकरीबन 3 इंच से 3.5 इंच तक। और इसका जो लंबाई है मैंने ये यहाँ पे लिया है 5 इंच। आप लोग 6 से 7 इंच तक भी ले सकते हो अगर आप लोग लूज चाहते हो। तो देखकर यहाँ पे मैं एक कर्व लाइन सा दे रही थी इस तरह से, देखकर इसको मैं कट कर लूँगी। और ये है मेरी आर्म होल का पार्ट। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको मैंने जो कमीज़ में हमारी जो साइड पे ओपन वाला पार्ट है उस तरह से मैं यहाँ पे इसको ओपन रखूँगी। मैं स्टिचिंग के समय आप लोगों को बताते जाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो बचा हुआ जो फैब्रिक है, ये जो पीस है, इसको मैं यहाँ तक यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिच कर दूँगी और एक्स्ट्रा जो पीसेस है फैब्रिक का उसको मैं कट के निकाल दूँगी। तो आप लोगों को स्टिचिंग का तरीका मैं आप लोगों को बता दूँ। ये है मेरी फ्रंट और बैक पार्ट का जो पार्ट है, बॉडी का जो साइड का पार्ट है, ये यहाँ से मुझे यहाँ से स्टिच करके यहाँ तक मुझे ले आना होगा और उसके बाद यहाँ पे दो बार फोल्ड करके यहाँ पे मुझे स्टिच करना होगा। अब मैं आप लोगों का स्टिचिंग का तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक मैं स्टिच कर लिया है और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, जो दूसरा वाला पार्ट है वो वहाँ पे भी मैं स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद आर्म होल जो है, आर्म होल को मैं यहाँ पे दो बार फोल्ड करके यहाँ पे नॉर्मल स्टिच दे दूँगी। इसी तरह से मुझे दोनों पार्ट पे यहाँ पे स्टिच करना होगा। तो यहाँ पे मेरी ये स्टिच हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी पीस का कपड़ा था छोटा सा उसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे इसको स्टिच करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे ये जो फैब्रिक है मैं यहाँ पे लिया हूँ लोन फैब्रिक जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है। इस टाइप की जो ड्रेसेस है ये अच्छा होता है अगर आप लोग लोन या फिर जॉर्जेट या फिर शिफॉन टाइप की जो फैब्रिक्स है वो अगर लेते हो तो बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप लोग कॉटन फैब्रिक लेते हो तो उसको आयरन करके आप लोगों को लेना होगा क्योंकि वॉश करने के बाद वो जो फैब्रिक है वो स्टील नहीं रहता है। और ये है नीचे का पार्ट। नीचे का पार्ट को मैंने दो बार फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो टॉप पार्ट है इसका मुझे सेंटर को निकालना होगा। अब मैं इसको सेंटर को निकाल के इसके अंदर की तरफ मुझे देना होगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है मेरी सेंटर पार्ट फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए।
और अब मैं इसको इस तरह से रख के इसके अंदर इस तरह से मैं दे दूंगी। देने के बाद जो फ्रंट का पार्ट है, जो मैंने सेंटर का पार्ट लिया था, उसको मुझे यहाँ पे इसको इस तरह से लगा के इसको पिन से इसको सिक्योर करना है। और यहाँ से पिन से मैं इसको सिक्योर कर देती हूँ चारों तरफ से। इसी तरह से मुझे क्या करना है, इसको चारों तरफ स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा तकरीबन हाफ इंच का टोटल है, 1 इंच का फैब्रिक मुझे फोल्ड करके यहाँ पे एक बॉर्डर सा लगाना होगा। जिस तरह से हम लोग डोरी को सलवार पे हम देते हैं डोरी लगाने के लिए, ठीक वैसे ही एक शेप देना होगा जहाँ से मुझे इलास्टिक को अंदर की तरफ देना होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर देती हूँ नॉर्मल स्टिच से। यहाँ पे थोड़ा जो वीडियो है वो मैं थोड़ा स्प्रीड पे कर रही हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दिखाने में, सो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड को बड़ा करके दिखाती हूँ एंड स्प्रीड को बड़ा के देती हूँ। और यहाँ पे मेरी ये हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हाफ सेंटीमीटर तकरीबन मुझे फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से एक स्टिच देके हम लोगों को एक तकरीबन 1.1 इंच का 1 इंच का मुझे स्पेस छोड़ देना होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ सेंटीमीटर्स का एक स्पेस मैं छोड़ के यहाँ पे एक बॉर्डर सा लग बना लेती हूँ इस तरह से, जो डोरी के लिए हम लोग बनाते हैं सलवार के लिए वैसे, क्योंकि यहाँ से मुझे जो इलास्टिक है मुझे उसको एंटर करना होगा। अब मैं यहाँ के क्या करूँगी, जो बैक नेक का मेजरमेंट है और आप लोगों का फ्रंट का मेजरमेंट है, एग्जांपल अगर आप लोग बैक पार्ट पे 4 इंच लेते हैं और फ्रंट पे 4 इंच लेते हैं नेक के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल लेना होगा 9 इंच, क्योंकि हाफ इंच करके स्टिच पे चला जाएगा डोरी के, तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को 9 इंच लेना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो डोरी है इसको मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद जो बचे हुआ स्पेस रहेगा उसको मुझे स्टिच करना होगा। और ये है सलवार ड्रेस का नीचे का पार्ट, जो ओपन वाला पार्ट है साइड पे, तो वो मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। जिस तरह से हम लोग कमीज में स्टिच करते हैं ठीक वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी स्टिच करना होगा। तो यहाँ पे मेरी ये स्टिच हो गई है। अगर आप लोग चाहो तो इसको एक राउंड शेप सा भी इससे रख सकते हो, ओपन अगर नहीं पसंद है तो आप लोग इसको स्टिच करके क्लोज कर दे सकते हो। तो इसी तरह से मेरी ये ड्रेस तैयार हो गई है गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, और पास में जो बेल आइकन बटन है इसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।